आज हम आपको एक नई जानकारी बताएंगे और जानकारी क्या, जैसे कि डीबीटी बिना खातों में नहीं पहुंचेगी दिव्यांगों की जो पेंशन है 2024 की, जो पेंशन दोस्तों वो यहाँ पे अब आपको नहीं मिलेगी बिना डीबीटी के। आइए जानते हैं कि इसमें क्या प्रावधान किया गया है और इसमें जो नियमों में बदलाव किए गए हैं वो क्या बदलाव किए गए हैं। चलिए दोस्तों, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझाऊँ कि एटा, ठीक है, यहाँ पे एटा दिव्यांग लोगों को सरकार पेंशन देती है, इसके लिए उनका बैंक खाता भी दर्ज किया जाता है। उन्हें बैंक खातों में अब बदलाव किया गया है। अब दिव्यांगों को NPCI और DBT से खाते को जुड़वाना अनिवार्य होगा, तभी आप यहाँ पे, ऐसा नहीं करने वाले दिव्यांगों की पेंशन उनके खाते में नहीं पहुंचेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बता दिया गया है और इस तरह की जानकारी विभाग की तरफ से दिव्यांगों को दी जा रही है। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग को लेकर उन्हें सरकार पेंशन के रूप में धनराशि मुहैया कराती है, इसके वे अपने दैनिक कार्यों में उसका प्रयोग करते हुए सम्मान हो सके। पेंशन के लिए दिव्यांगों से आवेदन कराते हुए उनके समस्त प्रकार के जो दस्तावेज हैं वो जमा कराए जाते हैं, इसमें उनका बैंक खाता नंबर भी दर्ज किया जाता है। उसके बाद जिससे सरकार से मिलने वाली धनराशि लाभार्थियों को सीधे प्राप्त हो सके, उन्हीं खातों की प्रक्रिया में अब सरकार की तरफ से किया जा रहा है। ठीक दोस्तों, तो इसमें काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं, जैसे कि इनमें अब दिव्यांगों को खाते में NPCI नेशनल पेमेंट, अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊं, इसमें NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पोर्टल पर DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से जुड़वाना होगा। इसके लिए दिव्यांगों को खाते वाली बैंक पासबुक में अपना लिंक कराना होगा। वहीं जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी डॉक्टर अजीत कुमार ने बताया है कि ये प्रक्रिया पूरी करने के लिए जानकारी दी जा रही है। उन्हें बताया है कि खाते में ये प्रक्रिया ना कराने वाले दिव्यांगों को पेंशन का लाभ नहीं मिल सकेगा। दोस्तों, अगर आपकी पेंशन अगर रुकी हुई है और अभी तक आपकी पेंशन नहीं आई है, तो जो नियमों में बदलाव किए गए हैं उसकी एक बार जानकारी सही तरीके से प्राप्त कर लें, ताकि आने वाले समय में जो आपको पेंशन मिलेगी, चाहे दोस्तों वो यहाँ पे आपकी 3,000 रुपये पेंशन की राशि हो, या फिर आपको यहाँ पे 4,000 रुपये की राशि हो, या 4,500 की हो, जो भी हो, अगर आप ये काम करा लेते हैं तो आपको आने वाले समय में जो पेंशन की राशि मिलने वाली है उसमें आपको आसानी से मिल सकेगी। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसे लगी? उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दूसरा दोस्तों, अगर आपने हमारे थंबनेल में देखा था कि पेंशन की सूची की जो लिस्ट है वो जारी की गई है, आप अपना नाम उसमें चेक कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स बताएं, मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग पेंशन की जो सूची है या DBT के माध्यम से भी आप लोग अपना पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, आपकी पेंशन आई है या नहीं आई है। तो ये जानकारी कैसे लगी? उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और पहली बार आए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।